हेलो गाइस, टूर एंड टेक विद रिक्की में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत जगह रायपुर मैदान में आए हुए हैं, और ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि हम गरीबदास टेम्पल और आपको सतलुज रिवर का जो हमने व्यू दिखाया था, वहाँ पर भी प्री वेड जो शूट होती है, और यहाँ पर भी है जो प्री वेड शूट यहाँ होती है। यहाँ पर भी आप रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और होटल्स भी है यहाँ पर। 2000 से लेकर 3000 तक आपको होटल जो अवेलेबल यहाँ पर रूम जो है मिल जाता है। इनके पास तकरीबन 15 से 20 कमरे हैं जो कि प्री वेडिंग वाले ही ज़्यादातर जो है शूटिंग के लिए ही लेते हैं कमरे, अदरवाइज जिनको पता है वही यहाँ पर आते हैं, जैसे कि यहाँ के लोकल लोग। ये जो रास्ता जा रहा है ये नैना देवी की तरफ जा रहा है। यहाँ से नैना देवी की जो दूरी है वो 30 से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये यहाँ से जो दूसरा गेट है जो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये साइड का आप व्यू देख सकते हैं। इससे पीछे भी जो है सतलुज रिवर का ही साइड सीन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। पूरा पंजाबी विरसा जो इन्होंने बनाया हुआ अंदर, तो आप यहाँ पर कुछ नंबर्स नोट कर सकते हैं दी होटल रॉक के, सी रॉक, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी हद तक ये पंजाबी विरसा ही यहाँ पर जो है बना हुआ है, ये देख सकते हैं। बहुत सारे कपल आज भी आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ कपल की शूटिंग हो रही है, कुछ अभी तैयार हो रहे हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए स्विमिंग पूल, अगर आपने रूम बुक करवाया हुआ है तभी ही आप जो है स्विमिंग पूल पर आप नहा सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप यूं ही आप विज़िट कर रहे हो यहाँ पर, जैसे कि आप नैना देवी से बाबा बालकनाथ जो ये रोड जा रही है आगे, आप कुछ देर के लिए यहाँ रुकते हो तो आप स्विमिंग पूल में नहीं उतर सकते, उसके लिए जो है रूम आपका बुक होना चाहिए। ये देखिए आसपास का जो साइड सीन पूरा का पूरा इन्होंने जो है पंजाबी विरसा पूरा का बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत जगह है ये। हमें ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। कल भी हमने जो वीडियो शूट की थी जो रायपुर मैदान की, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी जगह थी, जो गरीबदास टेम्पल और सतलुज रिवर का जो व्यू था वो भी बहुत अच्छी जगह थी। ये जगह भी हमें बेहद पसंद आ रही है। हम कल की रात यहीं पर होटल हमने बुक किया था, रूम बुक किया था। वैसे प्री वेडिंग वालों को ही ज़्यादातर जो है रूम ये देते हैं, तो ये थोड़ा सा ग्राउंड का स्पेस एरिया है, काफ़ी लाजवाब जो है एरिया। घूमने के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नैना देवी से बाबा बालकनाथ जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। रास्ते में ही ये आपको ऑन द रोड ही होटल सी रॉक जो आपको दिख जाएगा। ये देखिए नीचे सारी की सारी जो लोकेशन जो बनी हुई है ये प्री वेडिंग के लिए ही बनी हुई है। ये देखिए काफ़ी बहुत ज़्यादा, ये देखिए कुछ शूटिंग तो चल रही है, अभी से ही चल रही है, अभी सुबह 9 बजे का ही टाइम है, अभी से ही जो है शूटिंग शुरू हो गई है। और भी बहुत सारे जो है कपल आए हुए हैं यहाँ पर, ऑन द रोड बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये देख सकते हैं आप। ये एरिया भी हमने देखा कल रात, काफ़ी यहाँ पर शोर शराबा हो रहा था, मुझे लगता है कुछ लड़के यहाँ पर भी है जो यहीं पर बैठे होंगे। यहाँ पर आप शूट कर सकते हैं, अगर आप फैमिली के साथ भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो भी आप यहाँ पर जरूर विज़िट कीजिए। अगर आपको पिक्चर्स का शौक़ है बहुत ज़्यादा तो आपके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी है, बहुत अच्छी जो यहाँ पर पिक्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन आसपास की बहुत ही ज़्यादा बेहद खूबसूरत है। ये आप नीचे का कुछ एरिया देख सकते हैं,
अभी ये खाली पड़ा है यहाँ पर, मुझे लगता है कुछ कुछ ना कुछ ये नई एक्टिविटी जो है बनाने वाले हैं। ये कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीछे का जो एरिया है, ये रिवर व्यू का जो एरिया, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। हमें ये एरिया बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आया। यहाँ से जो है को हमने देखा, पीछे कैमरामैन जो है अभी बात कर रहे थे, हमारी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं जो आइलैंड बने हुए हैं बीच, सतलुज के बीच जो बने हुए आइलैंड, जैसा कि वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी बैठकर बीच बैठकर भी आप जो है शूटिंग करते हैं, कपल की वहाँ पर भी आप शूटिंग करवाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी व्यूज़ वहाँ पर होते हैं। ये देखिए बिल्कुल बैक साइड का एरिया है, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, कुछ लोग बोटिंग कर भी रहे हैं, यहाँ पर कुछ बोट नीचे खड़ी है। हमें थोड़ा सा यहाँ से कम 100 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए आसपास का, पहले सबसे पहले आसपास का आप एरिया देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुला डोला एरिया। सबसे हमें रायपुर मैदान में सबसे बढ़िया बात यही लगी है कि आसपास का जितना भी एरिया है वो इतना खुला डोला है कि आप जितनी मर्ज़ी आप गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर होटल भी है, टेम्पल भी है, और सतलुज का तो इतना ज़्यादा जो अच्छा व्यूज़ है, आइलैंड भी बने हुए हैं बीच। तो गाइस हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने हिमाचल के पूरे टूर की लिस्ट में रायपुर मैदान को भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको डालना चाहिए रायपुर मैदान को भी अपनी लिस्ट में, जो आप हिमाचल के जितने भी शौकीन हैं आने के। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा सेकंड पार्ट ही था, इसके दो ही पार्ट है हमारे जो है बने हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम रोज़ रोज़ नए नए वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक यू।